मध्य प्रदेश आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। इसके चलते बड़वानी जिले के सेंधवा में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी इश्ता सेड़ा ने बैठक लेकर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश की प्रभारी इश्ता सेड़ा बुधवार को बड़वानी जिले के सेंधवा पहुंची, जहां उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी और महिला अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज़िलेवार बैठकों का दौर है। मासिक बैठकें हमारे संगठन में पहले से होते आई हैं, उनको हमने पुनः प्रारंभ किया है, क्योंकि लंबे समय से पुरानी कमेटी थी, अब नया चुनाव हुआ है, नए लोग जुड़े हैं, नए पदाधिकारी हैं, इसलिए मासिक बैठकों का जो दौर है वो पुनः प्रारंभ किया गया है ज़िलेवार। संगठन को किस तरीके से ज़मीन से जोड़ा जाए, ज़मीन की समस्याओं को किस तरीके से संगठन के माध्यम से बुलंद किया जाए, समस्याएँ आज ज़्यादा हैं, समाधान किस तरीके से खोजा जाए जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का, और सरकार जो अंधी गूंगी और बहरी हो चुकी है उनको किस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता की आवाज़ को उन तक पहुँचे, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो प्यार से हम लोग अभी हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम जनता की समस्याओं को सरकार को बताने का चेताने का काम करेंगे। और संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा आज हुई है। मैं आप सबके माध्यम से भी इस ज़िले के तमाम युवा साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी साथी युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहता है वो हमारे जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी से बिल्कुल दिल खोल कर संपर्क कर सकता है। हमारा संगठन आप सब के लिए खुला है। आप जैसे भी संगठन से जुड़कर देश सेवा में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आइए हिस्सा बनिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब जब सड़कें मौन होती है तो संसद आवारा हो जाया करती है। आज यही हाल देखने को आया, देश का किसान पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, और जो पूरा देश आज दिल्ली से चलता है, जहाँ देश का प्रधानमंत्री बैठा है, वो चंद कदमों की दूरी पर भी उन किसानों की आवाज़ को सुनने नहीं जा रहा। चाहे बात महिला उत्पीड़न में हाथरस की रही हो, और चाहे आज मैं मध्य प्रदेश में, उससे मध्य प्रदेश की प्रभारी और मेरा दायित्व बनता है मध्य प्रदेश की भी बात करना, चाहे बहन हमारी बेटी शहडोल की रही हो, आज महिला उत्पीड़न की अगर बात करें तो देश का सर बार बार सत्ता में बैठे लोग शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि आज सत्ता में जो लोभी लालची लोग बैठे हैं उनको चेताया जाए और उनको ये बार बार ध्यान दिलाया जाए कि जनता ने आपको वोट उनकी आवाज़ को सुनकर काम करने के लिए दिया था, ना कि फोटोबाजी और फोटो सेशन करने के लिए। सेंधवा से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।